राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करांगे यहाँ पे एमडीयू के जो उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको अभी यूएमसी बनी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जो मतलब पर्ची लेकर गए थे या फिर उनका मतलब आगे या पीछे वाले ने पर्ची फेंक दी, नकल करते फंस गए, उसके बाद आपका जो टीचर है या प्रिंसिपल है या फिर फ्लाइंग वालों ने आपकी जो पर्ची है वो लेके आपको यूएमसी बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि आपको दूसरी शीट दे देते, तो उसका क्या मैटर रहता, वो पूरी चेक होती है नहीं होती है, इस चीज के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मेनली कि जिन बच्चों की पर्ची पकड़ी गई है, जिनकी यूएमसी बन गई है, उनको अब आगे क्या करना है, तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पर्ची पकड़ी जाती है वो आपके टीचर या आपका प्रिंसिपल है या फ्लाइंग वाले, ये डिपेंड नहीं करते कि आपने उसमें से कितना किया है कितना नहीं किया। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हमने तो उसमें से किया ही नहीं था, पीछे वाले ने फेंक दी थी, आगे वाले ने फेंक दी थी, या फिर हमसे गलती से हमारी पॉकेट में रह गई है। सो ऐसी कोई भी चीजें मायने नहीं रखती उस टाइम पे जब आपकी पर्ची पकड़ी जाती है, उसमें आपकी मिला के देखी जाती है कि आपने कर रखी या नहीं कर रखी। ठीक है, आपने अगर पेपर में पर्ची नहीं भी कर रखी तो भी आपका यूएमसी बना सकते हैं क्योंकि आपके पास वो चिट मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको फिर क्या होता है, कई बार बच्चे मतलब मोस्टली क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है तो वो रोने लग जाती है कि हमारा पेपर छीन लिया ये वो, तो उनको क्या है कि दूसरी शीट दे देते हैं कि इसके ऊपर आप अपना पेपर कर लो। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी शीट को क्यों देते हैं। पहली चीज होती है कि दूसरी शीट इसलिए दे देते हैं ताकि भाई वो कोई भी बच्चा है वो अपना क्या है कि मतलब रोना धोना ना करे, चुपचाप बैठ के पेपर कर ले, उसको शांति मिल जाए, लेकिन उसकी यूएमसी बननी होती है। ठीक है, उसकी यूएमसी बन जाती है उसके बाद भी, क्योंकि आपकी जो मेन शीट होती है वो छीन ली जाती है विद आपकी चिटकी। ठीक है, मोस्टली आप जीरोक्स कॉपी रखते हैं, कई बच्चे तो पूरी की पूरी किताब भी लेके जाते हैं। सो आपको क्या करना है कि उसकी ये मत सोचना कि आपको अगर दूसरी शीट मिल गई है तो आपकी यूएमसी नहीं बनी है, बेफिक्र होकर मत रहना, लेकिन आप अपने अगले पेपर्स पर फोकस करना क्योंकि उसमें जो होना था वो हो लिया। उसके बाद जब आपकी यूएमसी बढ़ जाती है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि एक लिस्ट आती है एमडीयू की वेबसाइट पे एग्जाम्स खत्म होने के बाद, जैसे ही होंगे मैं आपको वीडियो बना के बता भी दूंगा, वो लिस्ट आएगी यूएमसी हियरिंग लिस्ट। ठीक है, हियरिंग में क्या होगा कि वो कोर्स वाइज आती है, जैसे कि आपकी बीए की आ गई फर्स्ट सेम थर्ड सेम फिफ्थ सेम की। ठीक है, उसके बाद आपकी बीएससी की बीकॉम की, हर एक अलग अलग कोर्स की लिस्ट आती है, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर आईडी होती है, आपका रोल नंबर होता है, आपका सेमेस्टर होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें यह बताया जाता है कि आपकी यूएमसी बनी है और उसके ऊपर ही मेंशन होगा कि आपको एमडीयू में परीक्षा सदन में इस तारीख को जाना है और इस टाइम पे जाना है। यार सपोज करो कि आपको मतलब 10 फरवरी को बुला लिया, 15 फरवरी को बुला लिया और उसमें आपको टाइम बता दिया 9:30 बजे जाना, 10:30, 11:30, उसमें ऊपर मेंशन होगी सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपको वो वहां पे जाना है, वहां पे आपकी हियरिंग होगी, आपका नाम लेंगे, आपको अंदर बुलाएंगे, बकायदा आपके वहां पे पेपर की जो सीट है वो मिलेगी और आपकी जो चिट मिली थी वो भी वहां पे आपको दिखाई जाएगी। तो आपको वहां पे बताना है कि सर आपको जो आपका रीजन है वो जेन्युइन रीजन बता देना, क्योंकि जो करना वो उनको ही करना होता है। ठीक है, तो आपको बताना है अगर आपने पर्ची नहीं की है तो सर हमने पर्ची नहीं की है, हमारी सीट मिला के देख लो, थोड़ा बहुत मिला भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्ची की है तो सीधी बात आपका पीसी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते जो भाई अपडेट ना रहते हैं, जानबूझ के यूएमसी हियरिंग पे नहीं जाते, तो उनका क्या होता है कि जो बच्चे वहां पे प्रेजेंट नहीं होते उनका सीधा सा आ जाता है ईईसी, यानी कि एंटायर एग्जाम उनके यूएमसी एक पेपर में बने थी लेकिन उनके कैंसिल 5 के 5, 6 के 6 एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो चीज नहीं करनी आपको वहां पे, अगर आपका हियरिंग में नाम आता तो वहां पे आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका है कि वहां पे जाते तो अगर आपका एक्चुअली में आपने जो कर रखा है वो आपकी चिट में नहीं है, चिट में से नहीं कर रहा, तो वो आपका पीसी कर देते, यानी कि एक पेपर कैंसिल कर देते। ठीक है, यूएमसी बन गया तो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अगर भाई वो मतलब कुछ जेन्युइन केस आ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं करा, गलती से पकड़ा गया, ये वो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसका क्या होता है कई बार कि आपका बीओडी आ जाता है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स में ये होता है कि आपका पेपर दोबारा से चेक कर लेते हैं, अगर उसमें पास होने जो नंबर बनते तो आपको पास कर देते, ना तो फिर नॉर्मल रीअपीयर दिखा दिया जाता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में यही था कि अगर किसी की पर्ची पकड़ी जाती है तो उसको क्या करना, तो मेनली उसको यूएमसी हियरिंग की लिस्ट की वेट करनी है, यूएमसी हियरिंग की लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको हियरिंग पे जाना है, उसके बाद आपका डिसीजन आएगा, रिजल्ट अपडेट होगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इस यूएमसी की वजह से हमारे जो मतलब आगे फ्यूचर में हमारी जॉब्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमारी मार्कशीट में ये चीज लिखी आती है या नहीं लिखी आती, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नॉर्मल सी चीज होती है। ठीक है,
आपकी जो यूएमसी है वो एक बार बंद किया उसके बाद मामला रफा दफा जाता, कोई नहीं पूछता उसको यूएमसी बनी थी या नहीं बनी थी, ना ही मार्कशीट में कुछ ऐसा लिखा था कि इसकी भाई यूएमसी बनी थी ये, ना ना ही आपका ये लिखा था कि इसके इस सेमेस्टर में ये पी रहे थे, कुछ नहीं लिखा था। आप टेंशन फ्री रहो, आप पेपर दो पास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम। और भाई एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, कल आपका नया साल है, तो भाई अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ अपना नया साल स्टार्ट करियो। सो तब तक के लिए राम राम, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर।